को करो दो गुना तो 420 यहाँ पे लिखा हुआ है, 420 लिखा हुआ है, दो गुना करोगे 180 का दो गुना कितना होता, 360 घटा दो बेटा कितना आ जाएगा, 00 यहाँ पे 12 का मैसेज चल जाएगा, बोलो 60। अब 60 जो आ गया है ये घटाने पर, जो घटाने पे आया उसका आधा कर दो, जो घटाने पे आया उसका आधा कर दो, तो बोलो ये क्या आएगा, 30। जो 30 आंसर आएगा ये चार पैर वाले जानवर हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है, मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी टाइप का किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सब की चर्चा यहाँ पे हम करने वाले हैं। और आपका उम्मीद करता हूँ इस आज से जो है मुर्गी वाले क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे, मुर्गी वाले और गाय वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, चार पैरों वाले या दो पैरों वाले जानवरों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कबूतर के टाइप के क्वेश्चन रख देते हैं, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन रुके, दो पैर चार पैर वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका, ये मेरा वादा है आपसे और आप तुरंत कर देंगे। देखिए यहाँ पे दिया एक क्वेश्चन कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन में जो कह रहे हैं एक फर्म में जो है वो गाय और मुर्गियां, एक फर्म है जिसमें गाय और मुर्गियां हैं और सिर गिने जाए तो 180 है, उनके सिरों की संख्या दी गई है 180, बोलिए टांगे कितनी होंगी, टांगे जो दी गई हैं 420 दी गई हैं, सिर दिए गए हैं गाय और मुर्गियां, तो सिर सभी के एक ही एक होगा, तो सिर सभी के एक ही एक होगा, तो गाय और मुर्गियां दी गए हैं, सिर 180 दिए गए, टांगे जो उनकी दी गई, पैर दिए गए हैं बोलो मुर्गियों के दो दो पैर, गायों के चार चार पैर, अब इसको करो दो गुना, इसको करो दो गुना तो 420 यहां पे लिखा हुआ है, 420 लिखा हुआ है, दो गुना करोगे 180 का दो गुना कितना होता, 360 घटा दो बेटा कितना आ जाएगा, 00 यहां पे 12 का मैसेज छह जाएगा, बोलो 60। अब 60 जो आ गया है ये घटाने पर, जो घटाने पे आया उसका आधा कर दो, जो घटाने पे आया उसका आधा कर दो, तो बोलो ये क्या आएगा, 30। जो 30 आंसर आएगा ये चार पैर वाले जानवर आएंगे, याद रखना चार पैर वाले जानवर आएंगे ये याद रखना, तो चार पैर वाले गायें जो होंगी, गाय के चार पैर होते हैं तो चार पैर वाले की संख्या जो होगी वो 30 होगी, तो ये पहला वाला जो इसका सही आंसर बता रहे हैं। इसी प्रकार से भी आपके क्वेश्चन कितने भी टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो याद रखना, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए इसको दो गुना करो, घटा दो, घटाने के बाद में फिर उससे घटा डिवाइड कर दो दो से, वही हमारा आंसर आएगा। अगर जो दो पैर की पूछा जाता, दो पैर वाले जानवर कितने हैं, तो 180 में से माइनस कर दो, क्योंकि ये सिर्फ की बात कर रहे हैं, 30 माइनस कर दोगे तो बोलिए 150 आ जाएंगे वो कितने, दो पैर वाले, याद रखना ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछे जाए आपके एग्जाम में कभी गलत नहीं होंगे, मेरा वादा आपके साथ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करते रहिए दोस्तों में, सब्सक्राइब भी करवाइए जो दोस्तों को, जिस प्रकार से हम बड़े प्लेटफॉर्म पे आ करके आपके सामने वीडियो लेके आ सकें, तो उम्मीद यही रहेगी हमारी। तो वीडियो यही समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए जरूर।